दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फेशियन। दोस्तों बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट कर पूछेंगे, डॉक्टर साहब ऐसा लोग कहते हैं कि पत्ता गोभी खाने से ब्रेन में कीड़े चले जाते हैं और फलतः ब्रेन के तरह तरह की बीमारियाँ होती है। तो दोस्तों आधा सच्चाई आधा फसाना, मैं आप लोगों को सारी बातें आज मैं दूर कर दूंगा, समझा दूंगा इसमें कहाँ तक सच्चाई है। आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और दोस्तों नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, दोस्तों आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, प्लीज़ जरूर मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, फिर वीडियो का आनंद लें। दोस्तों ऐसा मिथक है, लेकिन ये मिथक आधुनिक काल की है, प्राचीन काल में मिथक नहीं थी। आधुनिक काल की ये मिथक है कि पत्ता गोभी में ऐसे कीड़े होते हैं जो पकाने खाना पकाने के बाद भी वो नहीं मरते और पेट में चले जाते हैं, फिर पेट से वो या अंडे दे के बच्चे पैदा करते हैं, फिर ब्लड में जा करके हेड में पहुँच करके अल्माइजर की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी या अन्य कई तरह की बीमारियां ब्रेन में पैदा करते हैं। तो दोस्तों मैं सारी मिथक आज दूर कर दूंगा। दोस्तों मैं इस पर, हालांकि ये सवाल कई दिन पहले हमसे पूछे गए थे, लेकिन मैं इस पर सर्च कर रहा था नेट पर, गूगल पर, पश्चिमी मीडिया के जो इस पर सर्वे हैं, न्यूज हैं, भारतीय आयुर्वेद है, प्राचीन काल के ऋषि महर्षियों की किताबें हैं, इस पर बयान व्याख्यान मिलते हैं। लेकिन प्राचीन काल के आयुर्वेद में विख्यान व्याख्यान में ऐसा कोई कहीं उल्लेख नहीं है कि पत्ता गोभी खाने से ब्रेन में कीड़े चले जाते हैं। रही बात की आधुनिक काल की ये देन है, आधुनिक काल की ये देन है, साइंस के ज़माने का देन है कि पत्ता गोभी में ऐसे कीड़े पाए जाते हैं जो ब्रेन मिल करके, ब्लड मिल करके ब्रेन में चले जाते हैं और तरह तरह की बीमारियाँ पैदा करते हैं। तो दोस्तों मैंने बहुत काफ़ी सर्च किया, बहुत काफ़ी छानबीन करी, बहुत सारे सर्वे वगैरह, जांच रिपोर्ट, फिजिकल रिपोर्ट और ब्लड रिपोर्ट, सीटी स्कैन वगैरह मैंने काफ़ी इसके बारे में रिपोर्ट से देखी। तो रियल में जो ब्रेन में जो बीमारियाँ होती है वह सुअर के मांस खाने वालों को होती है। और पत्ता गोभी, यहाँ का सवाल है, पत्ता गोभी में ऐसा अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण, पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है, ऐसे कोई गारंटेड पुख्ता प्रमाण नहीं है, कोई साइंस नहीं कहता इस पर, कोई साइंस में ऐसा कहीं चर्चा नहीं है, कहीं उल्लेख नहीं है कि पत्ता गोभी खाने से पेट में कीड़े जाते हैं, वो जल्दी पकाने से मरते नहीं, ब्लड मिल करके आँत में जाते हैं, ब्लड मिल करके अपना अंडा बच्चा पैदा करते हैं, फिर ब्लड मिल करके ब्रेन में पहुंच करके तरह तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। तो ऐसा कोई प्रमाण कहीं नहीं मिलता, आधुनिक काल के साइंस में भी कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग मिथक में न पढ़े, यह एक कोरी बकवास है, अफवाह वाली बात है। आप पत्ता कोई बिंदास खा सकते हैं, इसमें ऐसा कोई कीड़े नहीं पाए जाते जो जा करके ब्रेन में पहुँच करके आपको बीमारी पैदा करते हैं, समझ गए। तो आप लोग आराम से खाएं, कोई डरे नहीं, बिना हिचक आप पत्ता गोभी का सेवन कर सकते हैं, समझ गए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।